जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर आज आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला ही क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर वन है भैया आपका, क्वेश्चन नंबर वन युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास चर्चा में है, ये किस किस देश के मध्य हुआ? सबसे पहले बात करते हैं क्या चर्चा में आपका युद्ध अभ्यास चर्चा में किस किस देश के बीच में हुआ है। नाम ही युद्ध अभ्यास भाई, इस अभ्यास का जो एक्सरसाइज आपकी जो सेना की एक्सरसाइज है इसका नाम ही क्या रखा गया, युद्ध अभ्यास। अब ये हुआ कहां है, सबसे पहले तो बात करें ये कहां पर हुआ आपका भाई, उत्तराखंड के अंदर हुआ है। कहां पर हुआ? उत्तराखंड के अंदर हुआ। दूसरी बात करें ये यहां पर इसका कौन सा संस्करण है, 18वां संस्करण है। संस्करण की अगर मैं बात करूं तो कौन सा भाई आपका, ये 18वां संस्करण है। तीसरी बात आती कि हुआ किस किस के बीच में है, तो ये युद्ध अभ्यास आप समझ गए होंगे। एक तक तो कौन भाई आपका, भारत है ही, हमारा प्यारा भारत है, साथ में वर्षित आपका यूएसए। भारत और यूएसए के बीच में हुआ है, और कौन सा संस्करण है ये आप लोगों के बीच में, 18वां जो संस्करण है ये आपका उत्तराखंड के मध्य हुआ है, ध्यान रखेंगे इस युद्ध अभ्यास का भाई, ठीक है। अमेरिका अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड की जगह की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में कहां पर हुआ है आपका, ओली के अंदर हुआ। कहां पर हुआ भाई आपका, ये ओली में हुआ है। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका यहां पे बन जाएगा, याद रखेंगे भाई, ठीक है। अक्टूबर 2022 में, अक्टूबर भारत और अमेरिका 2022 में उत्तराखंड ओली में इसका आयोजन किया जाएगा, हुआ नहीं है, आयोजन किया जाएगा। कब होगा ये देखिए, युद्ध अभ्यास आपका कब, अक्टूबर के अंदर ही आपका होने वाला है। कब होने वाला भाई आपका, ये अक्टूबर 2022 में ये युद्ध अभ्यास की यहां पर बात हुई है। अक्टूबर 2022 में आपका ये युद्ध अभ्यास होने वाला है, उत्तराखंड, 18वां संस्करण, भारत वर्सेज यूएसए, ठीक है। युद्ध अभ्यास की अगर हम बात करते हैं, यानी कि युद्ध अभ्यास होते क्यों है, सबसे पहले बात ये करें कि सेना की जो क्षमता उसको बरकरार रखने के लिए, सेना की जो बाहर की जो समझ, बाहर के देशों के साथ जो उनकी प्रक्रियाएं हैं, वो किस प्रकार से युद्ध करते हैं, किस प्रकार से उनके पास इक्विपमेंट है, किस प्रकार से युद्ध के इक्विपमेंट को यूज करते हैं या प्रयोग में करते हैं, किस प्रकार से वो अपना टेररिस्ट के खिलाफ अपनी एक्टिविटी को साझा करने के लिए, यानी कि एक किस्म से कह सकते हैं कि मित्र देश ही आपस में एक दूसरा जो मित्रता का व्यवहार करते हैं, वही देश एक दूसरे के साथ युद्ध अभ्यास करते हैं, अदरवाइज दुश्मन देश के साथ कभी युद्ध अभ्यास नहीं होता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए भाई, इसका जो पिछला संस्करण हुआ था ये कब हुआ था, अक्टूबर 2021 में इसका पिछला संस्करण हुआ था, यानी कि इससे पहले कब हुआ था आपका, ये अक्टूबर 2021 में हुआ था भाई। कब हुआ था आपका, अक्टूबर 2021 में आपका ये युद्ध अभ्यास हुआ था, जिसका नाम ही क्या है, युद्ध अभ्यास, ठीक है, ओके। ये अक्टूबर में कहां हुआ था, तो अलास्का में भी, कहां पर हुआ था ये, अलास्का में आपका ये युद्ध अभ्यास हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, अलास्का कहां पर आपका, ये यूएसए के अंदर ही है। अलास्का कहां पर आपका, यूएसए के अंदर ही है, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहां से बन जाएगा भाई, ठीक है, ओके। जून 2016 में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, आप जून 2016 में नोट डाल के लिख सकते हैं आप लोग, जून 2016 में एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डब्बे वाला भाई आपका, जून 2016 में भारत के प्रमुख रक्षा भागीदार, प्रमुख है, प्रमुख रक्षा भागीदार, भागीदार बहुत सारे, भागीदार बहुत सारे युद्ध अभ्यास इसके साथ हो रहे हैं, रक्षा भागीदार घोषित किया था किसको भाई, भारत को। किसने घोषित किया था, तो ये आपके बीच में किसने घोषित किया था, यूएसए ने भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार घोषित किया था। अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का बच जाएगा। फिर देखिए एक बार बात करता हूं, युद्ध अभ्यास की बात हो रही है, किसके साथ होगा, अमेरिका के साथ होगा, कब होगा, अक्टूबर के अंदर होगा, यूके उत्तराखंड के अंदर होगा, ओली में होगा 2018, या आपका कौन सा 18वां संस्करण है। इससे पहले कहां हुआ, 2021 में अलास्का में हुआ था। अलास्का कहां पर, यूएसए, जून 2016 में प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में घोषणा करी थी किसने, यूएसए ने भारत के लिए भी, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यहां पर भारत की अगर हम बात करते हैं, तो अगला जो आपका जो 2022 वाला अक्टूबर वाला काम होगा आपका यूके के अंदर होने वाला है। अब मैं कुछ आपके जो कुछ इंपोर्टेंट युद्ध अभ्यास है उनका एक बार यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। संप्रीति अगर आप लोगों से पूछे, संप्रीति युद्ध अभ्यास, संप्रीति जो युद्ध अभ्यास है, इतना ही लिख के छोड़ूंगा भैया आपका, किसके साथ होता है, अगले देश का नाम लिख के छोड़ूंगा, आई करके, आई मीन इंडिया, आपका बांग्लादेश के साथ भाई, वर्षीय बांग्लादेश के साथ ये आपका युद्ध अभ्यास होता है, ठीक है भाई। चलिए अगले युद्ध अभ्यास की बात करूं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, ठीक है, ये डब्बे वाले क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अगला युद्ध अभ्यास भाई आपका, तो मित्र शक्ति की अगर हम बात करते हैं, किसकी भाई मित्र शक्ति किस किसके बीच में होता है, तो ये इंडिया वर्सेज श्रीलंका, इंडिया वर्सेज श्रीलंका, श्रीलंका ने तो कर लिया अपने युद्ध अभ्यास भाई, ठीक है, करेगी क्या, अब आपके बीच में पता ही है कहानी क्या हो रही है, ठीक है। एक देखो मित्र शक्ति याद रखना, एक आपका मैत्री, ये जरूर याद रखना भाई, मैत्री व्यायाम,
व्यायाम, मैत्री व्यायाम किस किस के बीच में होता है? भारत वर्सेज आपका इंडिया वर्सेज आपका थाईलैंड, थाईलैंड घूम के आना भैया, नौकरी लग करके थाईलैंड जाना। थाईलैंड किसके लिए प्रसिद्ध है आपको पता है? सफेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा। एक आपका देखो मित्र शक्ति हो गया इंडिया वर्सेज श्रीलंका, एक आपका गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति इंडिया वर्सेज, इंडिया वर्सेज आपका इंडोनेशिया भाई, कौन सा आपका इंडोनेशिया, ये किस किसके बीच में हो रहा है? गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भाई, गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास आपके किसके बीच में हो रहा है ये भी आपको पता है। एक है आपका शक्ति, एक क्या आपका शक्ति युद्ध अभ्यास, ये किसके साथ हो रहा है? शक्ति युद्ध अभ्यास की बात करें तो ये फ्रांस के साथ, फ्रांस वर्सेस आपका इंडिया। अब देखो शक्ति थामा या मित्र शक्ति पूछे इंडिया वर्सेस श्रीलंका, मैत्री व्यायाम पूछे इंडिया वर्सेस आपका थाईलैंड, और शक्ति पूछे आपका इंडिया वर्सेस फ्रांस, दूसरा पूछे आपका गरुड़ शक्ति तो इंडिया वर्सेज इंडोनेशिया, ये आपके बीच में यहां पर युद्ध अभ्यास है, ध्यान रखेंगे ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इंडिया वर्सेज इंडोनेशिया ये आपके बीच में यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। युद्ध अभ्यास से हमने जिक्र किया था तो सारी की सारी बातें आपकी यहाँ पर हो चुकी है युद्ध अभ्यास को लेकर के। चलिए जब युद्ध की बात आ रही है तो यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन आपके अच्छे बनते हैं जिनको लेकर के हम यहाँ पर बात करने वाले। चलिए भाई आर्ट ऑफ वार की यहाँ पे बात आ रही है। आपको पता है जिस प्रकार से देश विश्व के अंदर जो आपके घटनाक्रम घट रहे हैं, ताइवान ले लो, रूस ले लो, चीन ले लो, साथ में आपका पाकिस्तान ले लो, जापान ले लो, और भारत की भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, रशिया यूक्रेन, तो कुछ ठीक सा नजर नहीं आ रहा, जो समय चल रहा है कुछ थोड़ा सा ठीक सा नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक आ रहा है आपका आर्ट ऑफ वार चर्चा में है वर्तमान में, तो ये क्या है भैया आपका क्वेश्चन नंबर दो, आर्ट ऑफ वॉर चर्चा में है ये है क्या भाई, देखिए यहां पे हम बात करते हैं आर्ट ऑफ वार। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो शाब्दिक सी सीधी सी बात है कि यानी कि युद्ध की कला, ठीक है, युद्ध की कला एक पुस्तक है, तो इस पुस्तक इसके नाम से एक पुस्तक लिखी गई है। आर्ट ऑफ वार की बात करें तो इसका संबंध कहां से आपका, चीन से इसका क्या है संबंध है। जिस प्रकार से आप समझना, जिस प्रकार से ताइवान को लेकर के आपने सुना होगा नैन्सी जो पेलोसी कौन है आपको मालूम है, नैन्सी पेलोसी ये आपका यूएसए की क्या है अभी यूएसए की स्पीकर है और वर्तमान में कहां पर आई हुई है ये आपको पता है, ताइवान के अंदर आई हुई है ठीक है। तो उस समय जब ये ताइवान आ रही थी तो किसने, चीन ने किसको धमकाया है, चीन ने यूएसए को धमकाया है कि अगर ये यहां ही तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, ये सारी की सारी बातें यहां पे हो रही है। अब जब आर्ट ऑफ वार का मतलब क्या है यहां पे ये समझना आपने बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार से नैन्सी पेलोसी यहां पे आई तो एक युद्ध का माहौल क्रिएट कर रहा है, यानी कि आप युद्ध की ऐसी तैयारी करें, युद्ध की तैयारी करें और इतनी बेहतरीन तैयारी करें कि दुश्मन के ऊपर एक आपका अलग से प्रेशर बन जाए और वो लड़ने से पहले ही क्या कर दे, सरेंडर कर दे। यानी कि इस पुस्तक के अंदर लिखा गया है, आर्ट ऑफ वार के अंदर ये लिखा गया है कि आप युद्ध की इस प्रकार से तैयारी करें कि आपको युद्ध करना ही ना पड़े, ठीक है। और अगर हम चीन की बात करते हैं तो चीन हमेशा यानी कि किस लिए, दबाव के लिए। अब देखो फॉर एग्जाम्पल इसको समझना, एक पहलवान रोज 4 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है, एक पहलवान उस दिख रहा है कि 4 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है तो भाई मारेगा, तो वो क्या है उससे लड़ने से डरेगा कि भाई मैंने तो 2 घंटे प्रैक्टिस करी, 4 घंटे 5 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है, डाइट खा रहा है इतनी सारी, वही चीज यहां पे है। यानी कि दबाव बनाया जाए और युद्ध को टाला जाए, दबाव बनाया जाए और बिना किसी नुकसान के आप क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं, ये आपकी क्या आर्ट ऑफ वार है, ठीक है, याद रखेंगे भाई इस चीज को, ठीक है। और ये जो आर्ट ऑफ वार एक पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई, विचार किसके विचार है यहां पर ध्यान रखेंगे, तो ये सुन ये नाम कुछ इस टाइप की है, याद रखना भाई, सुन तजू के सिद्धांत कह सकते हो इसे, इसे क्या कह सकते हो आप, सुन तजू का सिद्धांत भी आप इसे जान सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने इसी नाम से एक पुस्तक लिखी थी जिसमें यह बात कही गई थी दुश्मन से किस प्रकार निपटा जाए। और वर्तमान में ताइवान पर इसने क्या कर रखा, ताइवान के 6 क्षेत्रों में चीन ने क्या कर रखा, अपना युद्ध अभ्यास जारी कर रखा है। तो आर्ट ऑफ वार का संबंध पूछे तो चीन से है, ठीक है, क्यों है पूरा का पूरा, ये मैंने यूएसए की भी बात करी है, साथ में आपका इसकी बात करिए चीन की बात करिए, और ताइवान पर ये कब्जा करना चाहता है, और भारत के साथ भी इसने ऐसा ही किया, पहले युद्ध की तैयारी की और बाद में 1962 ये समय का वेट भी करता है। ये सिद्धांत क्या बोलता है कि आप सही समय का इंतजार करिए, उससे पहले उसको दबाव में रखिए, सही समय का इंतजार करिए, यानी कि अगला कब फ्री होता है। कई बार क्या होता है कि अगला आदमी बोलता छोड़ना
इसको तो काम यही है, जैसे कोई आदमी आपके साथ हर रोज टीच कर रहा है, हर रोज टीच कर रहा है, आपको तैयारी भी कर रहा है, आपके साथ टीच भी कर रहा है, तो उसे क्या लगता है कि दूसरा व्यक्ति सोचता है कि चलो ये तो है ही, इसका तो काम यही है, मैं मेरा कुछ और काम करूं। यानी कि आपसे बेफिक्र हो जाएगा, आप उससे बेफिक्र हो जाएंगे। जब आप उससे बेफिक्र हो जाएंगे तो क्या होगा, एकदम अचानक से हमला करेगा। यही पॉलिसी इसने 1962 में हमारे साथ की, और कौन सा हिस्सा इसने हमारा ले लिया, अक्साई चीन। और आजकल अगर मैं बात करूं राजनाथ साहब की और अमित शाह की, तो जब भी कभी वो बीओकी की बात करते हैं, सॉरी जेएनके की बात करते हैं, तो अक्साई चीन प्लस आपका कौन सा पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, दोनों के दोनों इसके अंदर शामिल होते हैं। याद रखना अक्साई चीन को कौन सी रेखा तो करती है आपकी एलएसी करती है, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल करती है। और अगर पीओके की बात करूं तो आपका कौन सी रेखा है यहां पर, पीओके किसके साथ लगता है एक्चुअल में, तो ये किसके साथ लगता है आपका, अफगानिस्तान के साथ लगता है, ध्यान रखेंगे ठीक है, इसके साथ लगता ही नहीं है ठीक है। वैसे अगर हम चीन की बात करते हैं तो कौन सी रेखा हमारे को अरुणाचल प्रदेश वगैरह में अलग करती है, तो मैकमोहन रेखा अलग करती है, पाकिस्तान को अलग करते हैं तो एलओसी अलग करते हैं, रेडक्लिफ रेखा क्या करती है, भारत और पाकिस्तान को अलग अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। राजधानी पूछे भाई आपको चीन की, तो बीजिंग राजधानी है। 2022 के अंदर क्या हुआ यहाँ पे, शीतकालीन ओलंपिक हुए हैं, ये भी याद रखना। शीतकालीन ओलंपिक का हमने क्या किया था भाई, राजनीतिक बहिष्कार किया था, ये भी याद रखेंगे। साथ में थोड़ी सी यूएसए की बात करें, तो यूएसए की राजधानी क्या है, तो यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। कौन सी नदी पर, आपका आपका पोटोमैक नदी के ऊपर है। राष्ट्रपति कौन आपके, जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं, और भारतीय मूल की कौन आपका, कमला हैरिस के वहां की उपराष्ट्रपति हैं, ध्यान रखेंगे। और वो एक बार आपका कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पे भी उन्होंने यहां पर काम किया, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहां पे बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, दक्षिण कोरिया चर्चा में भाई, आपका दक्षिण जो कोरिया है, दक्षिण कोरिया क्या है आपका, कोरिया चर्चा में है, कौन सा भाई, दक्षिण कोरिया चर्चा में है, ये चर्चा में क्यों है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई आपका, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा। देखिए दक्षिण कोरिया आपका चर्चा इसलिए है क्योंकि यहां पर अब इसने पहली बार क्या छोड़ा, चंद्रमा पर उपग्रह छोड़ा, और ये उपग्रह छोड़ने के साथ ही है उस उन देशों की स्थिति में आ गया है जो जिन्होंने चंद्रमा पर उपग्रहण छोड़े हैं, उपग्रह सैटेलाइट या चंद्रमा पर क्या कहें उपग्रह छोड़े, उनकी बात यहां पर हो रही है। इसने क्या किया, दक्षिण ने अपना पहला क्या छोड़ा भाई, पहला अंतरिक्ष यान चंद्रमा के लिए लॉन्च किया, अंतरिक्ष यान क्या किया है, चंद्रमा पर लॉन्च किया है, याद रखेंगे। पहला अंतरिक्ष यान किसने लॉन्च किया आपका, जो चंद्रमा पर लॉन्च किया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया, ध्यान रखेंगे ठीक है। ओके अब इसका क्या भाई, यहां पर यह अपने गंतव्य पर कब पहुंचेगा, वाहन की बात करें तो इसे किस वाहन के द्वारा, जो स्पेस एक्स के फाल्कन 9 लॉन्च वाहन पर लॉन्च किया है, फाल्कन आपका क्या 9 वाहन पर लॉन्च किया है। वाहन पूछे तो स्पेस एक्स का है, किसका है, स्पेस एक्स का है, वो नाम क्या है इसका, फाल्कन 9 इस वाहन पर इसको लॉन्च किया है। मतलब किस वाहन पर अंतरिक्ष की मैं बात करूं तो चंद्रमा पर जो अंतरिक्ष भेज रहे किस वाहन पर है, तो ये आपके बीच में स्पेस एक्स का फाल्कन 9 पर लॉन्च किया है। और ये अपने स्थान पर कब पहुंचेगा, तो दक्षिण कोरिया का जो अंतरिक्ष यान है चंद्रमा के लिए जो भेजा है, ये कब पहुंचेगा आपका, तो दिसंबर 2022 में जहां इसने पहुंचना है, जहां इसको स्थापित करना है, जहां इसको रुकना है, वहां पर ये अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहां पे बन जाता है ठीक है। ओके भारत और रूस जापान भी अपने नए मिशन लॉन्च करेंगे, कब, भारत भी लॉन्च करने वाला है, प्लस में आपका रूस भी करने वाला है, प्लस में आपका जापान भी करने वाला है। ये कब अपने नए मिशन लॉन्च कर रहे हैं, तो ये 2022 और 23 के अंदर ये सारे के सारे अपना मिशन लॉन्च करने वाले हैं। ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है ठीक है। ओके अगर ये आपका कह सकते हैं, अगर ये दक्षिण कोरिया का ये अगर लॉन्चिंग सफल हो जाता तो ये भी उस इन देशों की स्थिति के साथ मैच करने लगेगा ठीक है। मेगा मून आपका साथ में हम बात करें, अपने मेगा मून रॉकेट लॉन्च करने वाले तीनों के तीनों क्या करेंगे आपका, मेगा मून रॉकेट लॉन्च कौन कौन से देश करने वाले हैं 2022-23 में, तो आपका भारत है, रूस है, जापान है, ध्यान रखेंगे। ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। चलिए थोड़ी सी बात करें किसकी, दक्षिण कोरिया की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल है भाई। सियोल क्या है, दक्षिण कोरिया की राजधानी है ठीक है। ओके मुद्रा क्या है इसकी, दक्षिण कोरियाई वॉन क्या है इसकी, वॉन क्या है इसकी, मुद्रा है। मुद्रा पूछे तो क्या है, दक्षिण कोरियाई वॉन है। और आपने साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया दोनों सुनेंगे, नॉर्थ कोरिया का जिक्र आपने जरूर सुना होगा, चाहूं मैं जाऊं जो किम जोंग सुना होगा, उसकी बहन सुनी होगी जो कि बड़े अत्याचारी है, किस प्रकार से वो अपने देश के अंदर शासन करते हैं, सारी की सारी चीजें आपके बीच में यहाँ पे है, वो सब आप लोगों को मालूम है हाँ के भाई। चलिए ठीक है अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके बीच में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, हाल ही में चर्चा में आजादी सेट, ये क्या है आपका, आजादी
आजादी सेट चर्चा में है आपका, आजादी सेट चर्चा में है, चर्चा में है, ये है क्या भाई। चलिए सबसे पहले बात करके आजादी सेट का संबंध किससे, तो मैं इसकी अगर बात करता हूं तो आजादी के अमृत महोत्सव पर ही छोड़ा जाता, आजादी के अमृत महोत्सव से इसका क्या संबंध है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसका संबंध भारत से है, ठीक है, ये आप लोग समझ ही गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसको छोड़ कौन रहा है आपका, इसरो भाई, इसरो इसको क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। इसरो की बात करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका क्या करती है, अंतरिक्ष एजेंसी। इसरो क्या है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी। अगर पूछे आप लोगों से अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है, तो यही है भारत की, और काफी कमाई भी ये भारत को करके दे रही है भाई, ठीक है। साथ में हम बात करते हैं सबसे छोटा वाणिज्यिक आजादी सेट, इसे कब छोड़ रहा है, कल छोड़ रही भाई, 7 अगस्त 2022 को इसे लॉन्च कर रहा है। कौन कर रहा है लॉन्च, आजादी सेट को, तो लॉन्च हो रहा है आपका ये कल भाई, और किसके द्वारा किया जा रहा है, इसरो के द्वारा किया जा रहा है, और ये किस आपका कह सकते हैं सबसे छोटा वाणिज्य रॉकेट, नोट डाल के लिख सकते हैं, सबसे छोटा वाणिज्य रॉकेट है, ये भी आप कह सकते हैं सबसे छोटा वाणिज्य रॉकेट है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV के द्वारा, किसके द्वारा ले जाया जा रहा है, SSLV की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसके द्वारा क्या है, इसको ले जाया जा रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो अंतरिक्ष में तिरंगा फहराना ये इसका क्या है उद्देश्य, इसके लिए फहराने के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। कहां से किया जा रहा है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर, श्री हरिकोटा है, इस यहां से इसको लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। कहां से किया जा रहा है, आजादी के अमृत महोत्सव में अंतरिक्ष के अंदर तिरंगा फहराने के लिए आपकी आजादी सेट नाम से एक आपका सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है। किस व्हीकल पर जा रहा है आपका, SSLV, आपका जो समान सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसके जरिए जा रहा है, तिरंगा फहराएगा, इसको लॉन्च कर रही है। कहां से कर रही है, अंतरिक्ष से, जो आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां से, सतीश धवन कहां पर आपका, श्री हरिकोटा केंद्र, 7 अगस्त 2022 को इसको हम कल लॉन्च कर रहे हैं कुल मिलाकर के। और ये कह सकते हैं सबसे छोटा वाणिज्य रॉकेट आपका है भाई, सबसे छोटा वाणिज्य रॉकेट है। विशेष रूप से किसके लिए किया गया है उत्सव, तो 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है, मैंने बात कर चुका हूं, आजादी के अमृत महोत्सव के चक्कर में इसको क्या किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखना भाई, ठीक है। चलिए, और साथ में हम बात करें, इसमें 75 पेलोड शामिल है, इसके अंदर क्या है, 75 क्या आपके पेलोड शामिल है, ये भी याद रखना, पेलोड शामिल है। दूसरी अगर बात करूं तो 75 ग्रामीण स्कूलों की 750, तो 75 ग्रामीण जो स्कूल है, ग्रामीण स्कूलों की जो गुड़िया हैं, बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी 750 जो युवा लड़कियां छात्राओं के द्वारा इस पेरोड के बाहर के कितने इन लोगों ने इनको मिलकर के 750 जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, इन्होंने मिलकर के इसको, युवा लड़कियों ने मिलकर के तैयार किया है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। और वजन बात करें तो प्रत्येक का वजन लगभग कितना है, 750 लड़कियों ने 75 जो आपके पेलोड तैयार किया, तो इसमें 50 ग्राम वजन है इस पेलोड का, प्रत्येक जो पेलोड है इसका वजन कितना है, 50 ग्राम है, ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के चक्कर में आपका आजादी सेट चर्चा में है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि क्यों चर्चा में है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आपका बन जाएगा भाई यहाँ पर भी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, जो कि आपके बीच में आ रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, श्रीमद राजचंद्र मिशन परियोजनाएं चर्चा में आपकी, तो इनका उद्घाटन कहां किया गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी आप लोगों का। इनकी उद्घाटन की बात करते तो कहां पर, गुजरात के अंदर भाई, गुजरात के अंदर इनका क्या किया गया, उद्घाटन किया है, किसके द्वारा किया गया है, तो PM साहब के द्वारा किया गया, किसके द्वारा भाई आपका, मोदी साहब के द्वारा किया गया, ये भी याद रखेंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इन जो आपका श्रीमद राजचंद्र मिशन परियोजनाओं क्या किया गया, उद्घाटन किया गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन जाएगा। इन परियोजनाओं को कब लॉन्च किया है, तो इन परियोजनाओं की लॉन्च की बात करें तो वर्चुअल मोड में भी आपका, वर्चुअली मोड में कब किया गया है, वर्चुअली जो मोड में 4 अगस्त
4 अगस्त 2022 को इसको क्या किया है, लॉन्च किया गया है, इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो ये आप लोगों को बता दिया गया है, मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो इसमें कहां पर नंबर वन पे देखेंगे आपके वलसाड़ जो जिला है, वलसाड़ जिले में भाई आपका वलसाड़ जिले में धर्मपुर में अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। धर्मपुर में कहां पर, धर्मपुर में 200 बेड का अस्पताल का उद्घाटन कहां पर, श्रीमद नाम क्या उसका, श्रीमद राज चंद्र अस्पताल, इन्हीं के नाम से एक अस्पताल का उद्घाटन किया गया है वलसाड़ जिले के अंदर। किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, क्योंकि आपको पता प्रधानमंत्री मोदी यहाँ के क्या रहे हुए हैं, सीएम रहे हुए हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए इन्हीं के नाम पर अगर मैं बात करता हूं, तो इन्हीं के नाम पर क्या क्या, एक पशु अस्पताल भी आपका, पशु अस्पताल का भी क्या किया गया, उद्घाटन किया गया यहीं पर। और साथ में महिलाओं के लिए आपका श्रीमद राजचंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी, दूसरा क्या आपका पशु अस्पताल, तीसरा क्या है इनका भी, इन्हीं के नाम पर सेंटर, महिलाओं के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का उद्घाटन भी यहीं पे किया गया है, ध्यान रखेंगे। तो ये भी आपका चर्चा में रहा है। गुजरात की अगर हम बात करते हैं, तो कुछ दिन पहले यहाँ पर सभी शिक्षा मंत्रियों का क्या किया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का क्या किया गया था, यहाँ पे सम्मेलन किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। गुजरात की अगर हम बात करते हैं, तो लोथल आपका, अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो लोथल जो आपका बंदरगाह है, पतनिया बंदरगाह कौन सा, हड़प्पा सभ्यता का पतनिया बंदरगाह भी आप यहीं पर है। विश्व की सबसे बड़ी सूखी गोदी की बात करते हैं, तो वो भी आपकी कहां पर है, यहीं पर है। और इसी के अंदर गुजरात के साथ में आपका एक सर्किक बिंदु है, जो विवादित बिंदु, अगर पाकिस्तान के साथ विवादित बिंदु की अगर हम बात करते हैं, तो सर्किक बिंदु भी आपका, गुजरात के अंदर ही। भाषा की हम बात करते हैं, तो सब लोग आप इसको अच्छे से समझते हैं। और ईज ऑफ डूइंग में मेरा क्वेश्चन एक आप लोगों के लिए है कि ईज ऑफ डूइंग में, जो ईज ऑफ डूइंग यानी कि जो सूचकांक था ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स के अंदर, गुजरात का स्थान वर्तमान में कौन सा है, ये भी आपका चर्चा का विषय है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये भी, एक आपका बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। साथ में बात करें श्रीमद जो राजचंद्र हैं, ये थे कौन भाई, ठीक है। इनकी तो हमने बात कर ली कि चलो अस्पताल कहां पर आपका धर्मपुर के अंदर, और धर्मपुर के अंदर खोला गया 200 बेड का हॉस्पिटल है। साथ में हमने बात करी पशु अस्पताल भी खोला गया, महिलाओं के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी भी खोला गया है, लेकिन ये थे कौन, तो आपको बता देता हूँ, ये जैन कवि, दार्शनिक, रहस्यवादी, विद्वान, समाज सुधारक थे। जैन कवि थे आपके, जैन कवि थे भाई, ठीक है। जैन कवि की बात करें तो जैन धर्म से संबंध था इनका, रहस्यवादी थे, दार्शनिक थे सारी, और समाज सुधारक थे, समाज सुधारक भी थे आपके, ये भी याद रखेंगे। अब जब बात जैन धर्म की आई है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो जैन धर्म में क्या आपके तीर्थकर होते हैं भाई, तीर्थकर होते हैं, याद रखना कितने तीर्थकर हुए, 24। तो 24 तीर्थकर कौन थे, स्वामी महावीर जो जैन थे, ये 24 तीर्थकर थे। तो पहले तीर्थकर कौन थे आपको बता देता हूं, प्रथम तो ऋषभ देव थे भैया आपके, ऋषभ देव थे प्रथम तीर्थकर थे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई, और इसकी अगर हम बात करते हैं, तो जहां पर ये पूजा करते थे आपके, कौन तीर्थकर जो पूजा करते थे, उन्हें क्या कहा जाता, जैनालय कहा जाता था, क्या कहा जाता था, जैनालय कहा जाता था। और जैनों का जो इतिहास है वो हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। जैन के अंदर 2 संप्रदाय आपके, कौन कौन से संप्रदाय, जैन के अंदर एक आपका दिगंबर और एक श्वेतांबर, यानी कि जो सफेद कपड़े पहनते हैं वो श्वेतांबर है, और जो कपड़े नहीं पहनते हैं दिगंबर। यानी कि किसने ये बोला था कि दिशाएं ही वस्त्र है, तो जैनों के द्वारा ये बात कही गई थी कि दिशाएं ही वस्त्र है। तो ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में भी, आपका अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो कि आपके बीच में है भाई, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे एक बार, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपका एटीजीएम चर्चा में है, क्या चर्चा में आपका एटीजीएम चर्चा में है, तो एटीजीएम चर्चा में क्यों, सबसे पहले तो ये है क्या, आपको बता देता हूं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आपका ये क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यानी कि आपका टैंक के बर खिलाफ यूज करने के लिए इस मिसाइल का यूज किया जाता है, यानी कि टैंक के खिलाफ, टैंक जिसको आप लोग दूसरी भाषा में AFV के नाम से भी जानते हैं, आर्मी फाइटिंग व्हीकल, टैंक के खिलाफ जो मिसाइल यूज की जाती है उसको क्या बोला जाता है, एंटी ATGM बोला जाता है। अब ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि सबसे पहले बात तो ये DRDO
डीआरडीओ ने क्या इसको बनाया है? स्वदेश निर्मित है, स्वदेश निर्मित है। और अभी हाल ही में इसका क्या किया गया भाई, परीक्षण किया गया, जो सफल रहा है। परीक्षण कहां पर किया गया? तो के रेंज के ऊपर इसका परीक्षण किया गया है। के रेंज कहां पर आपकी? तो ये महाराष्ट्र के अंदर है भाई। कहां पर है आपकी? महाराष्ट्र के अंदर है। के रेंज किसके अंदर काम करती है? तो यहां पे लिख रहा हूं भाई आपका एसीसी एंड स्कूल, एसीसी अर्बन कोर सेंटर ऑफ स्कूल के अंदर ये आपकी रहती है के रेंज। और यहां पर अभी हाल ही में एंटी टैंक जो लेजर आधारित है, कैसी आपकी ये लेजर आधारित है, लेजर आधारित जो इस मिशन का स्वदेशी, पूर्ण रूप से स्वदेशी आधारित की अगर हम बात करें तो कैसी है? लेजर आधारित है और पूर्ण रूप से कैसी भी आपकी है? पूर्ण रूप से स्वदेशी भी है, स्वदेशी मिसाइल है, याद रखेंगे। इसका सफल परीक्षण किया गया। अब इसका किस टैंक से इसको किया गया है, याद रखेंगे। तो अर्जुन जो टैंक है, अर्जुन टैंक से इसको क्या किया गया, इसका सफल परीक्षण किया गया। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनता भी। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि एटीजम है क्या? तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आपकी किस आधारित, आपका लेजर आधारित है। कहां पर इसका एफयू फाइटिंग व्हीकल भी कह सकते हैं टैंक को। साथ में बात करें कहां के द्वारा, किसके द्वारा? डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या किया गया, इसको विकसित किया गया है, विकसित किया गया है, याद रखेंगे। स्थापना की बात करें तो कब हुआ इसका? 1958 के अंदर स्थापना। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो कहां पर आपका ये दिल्ली के अंदर क्या है इसकी हेडक्वार्टर डीआरडीओ का, ठीक है। अभी परीक्षण कहां पर? के रेंज कहां पर आपकी? महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर अगर मैं बात करूं तो कहां पर? अहमदनगर सेंटर, एसीसी एंड स्कूल लिखा मैंने, तो कहां पर आपका अहमद जो नगर सेंटर है, इस अहमदनगर सेंटर के अंदर ये काम करती है। एसीसी एंड अर्बन कोर जो सेंटर स्कूल है आपका, यहां पर ये आपकी काम करती है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपका यहां पर बनता है, ठीक है। चलिए अगली हम बात करते हैं, तो जो इसका एमबीटी मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन से लॉन्च किया गया है इसका, अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, अर्जुन से लॉन्च किया गया है तो भारतीय सेना के पास टैंक कितने हैं, किस प्रकार के टैंक है भारतीय सेना के पास। अगर मैं टैंकों की जनरेशन की बात करूं तो ध्यान रखेंगे इस चीज का भी भाई आप लोग, ठीक है। एटीजीएम का जिक्र हुआ, यानी कि एक्चुअली बात ये होती है कि टैंक के अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति वो नॉर्मल आपके गोली गाली से मरता नहीं है, गोली गाली इसके ऊपर टैंक के ऊपर कोई असर नहीं करती, क्योंकि थर्मोकोल की जो आप उसके अंदर दो तीन लेयरें होती है, पहले लोहे की लेयर होती है, उसके बाद फिर आगे और भी सारी बहुत सारी चीजें ऐसी लगाई जाती है, पैनल भी लगाए जाते हैं, चूंकि राउंड भी रेकोचिट हो जाता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, टैंकों की। खासतौर आमतौर पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम भारत निर्मित टैंक की अगर मैं बात करूं तो आपका जो अर्जुन बोल रहे हैं आप, अर्जुन क्या है? भारत निर्मित टैंक है, ये भी आपका अर्जुन, ठीक है। साथ में भीषम टैंक भी है भाई, भारतीय सेना के पास कौन सा टैंक आपका? भीषम टैंक के भी है यहां पर। साथ में एक और हम बात करते हैं, रशिया से हमने T-72 टैंक लिया है, साथ में T-90 इसका नया वर्जन है भी। इन सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कौन से टैंक यूज करते थे हम, तो यहां पर हम कौन से टैंक यूज करते थे? T-55 भी यूज किया भारतीय सेना ने, और T-57 भी भाई, सरवण टैंक भी था, T-57 टैंक भी भारतीय सेना के पास है था, सरवण टैंक टी नहीं भी, खाली सरवण टैंक टी सीरीज की, तो ये है T-72, T-90, T-55 इनमें सबसे पुराना पूछे तो आपका T-55 है, उसके बाद पूछे आपका नया वर्जन तो T-72 है, और T-90 आपका लेटेस्ट जो वर्जन की अगर मैं बात करूं, सबसे नया जो वर्जन है कौन सा आपका? T-90 है, जो भारतीय सेना आर्मर्ड कोर इसी आर्मर्ड कोर को दे रखा, ठीक है, ओके। सरवण टैंक सबसे पुराने टैंकों में है, साथ में एक और टैंक होता था विजयंत टैंक भी आपका क्या है भारत के अंदर यूज होता है, भारतीय सेना इनका प्रयोग करती है, और टैंकों से मिलते जुलता एक छोटा जो ये तो कौन सी फोर्स करती है आपकी आर्मर्ड फोर्सेज, आर्मर्ड जो फोर्स है, आर्मर्ड जो रेजिमेंटे हैं वो इनका क्या करती है यूज करती है, अर्जुन टैंक है, भीषम टैंक है, T-72 है, T-90 है, T-55 है, सरवण है, विजयंत है, ये सारे के सारे टैंक आपके यूज हो रहे हैं भारतीय सेना के अंदर। इनसे मिलता जुलता मैकेनाइज जो इन्फेंट्री है, वो क्या करती है BMP भी यूज करती है, और BMP की खास खूबी बात यह है कि आपकी पानी के अंदर फ्लोटिंग कर सकती है ये आपका, और आसानी से इसकी जो गन है वो भी काफी बड़ी गन है कह सकते हैं, लेकिन हाँ इनकी जो गन है ये देखिए 125 mm की गन, 125 mm की गन है साथ में कह सकते हो, तो ये सारी की सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अभी हाल ही में जो चर्चा मेरा एटीजम इसका विकसित किसने किया? डीआरडीओ, जय हो डीआरडीओ, ठीक है। चलिए थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहने वाली, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट, राइट।